हेलो दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपना पासबुक सॉरी आपका पासवर्ड आप कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पासवर्ड जो है बनाए थे, आपने चेंज किए थे, आपने 4 महीना हो गया, 5 महीना पहले, और आप सडनली भूल गए कि मेरा पासवर्ड क्या था और आपको याद ही नहीं आ रहा कि मेरा पासबुक क्या था, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके बारे में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किए, क्योंकि हम देखिए वीडियो बनाते पासबुक के बारे में सॉरी पीएफ के बारे में, और बनाते हैं वीडियो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कि आप कैसे अर्न कर सकते घर पे बैठे। तो अगर आपको ये सब टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप कैसे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको सर्च करना होगा मेंबर होम। तो यहाँ पे जब मेंबर होम सेलेक्ट आप करेंगे, यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको मेंबर होम यानी फर्स्ट आपको लिंक पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको जो फॉरगेट पासवर्ड यानी आपको पासवर्ड जो है आपको चेंज करना है, उसका आपको यूएन नंबर एंटर करना है जिसका आपको चेंज करना है। तो मैं एंटर कर देता हूँ, और फिर उसके बाद आपको जो है कैप्चा एज इट इज़ आपको एंटर करना होगा, अदरवाइज इनवैलिड कैप्चा का एरर आपको आ जाएगा, फिर वापस आपको एंटर करना होगा। तो आप प्रॉपर एंटर करके सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, जैसे कि 80 स्टार्टिंग है एंड 01 जो लास्ट है, इस पर OTP आएगा। तो मैं वो OTP एंटर कर देता हूँ कि मेरे नंबर पे, और वो OTP का आपको इमेज भी दे दूँगा, आपका नाम लिखा रहेगा। OTP का पिन जो है मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं एंटर कर देता हूँ, फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन आपका लोड होगा फिर इसमें। तो जैसे कि मैंने रॉन्ग एंटर कर दिया हूँ, तो मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। ओके, तो अभी ये वेरीफाई हो जाएगा आपका OTP। जैसे आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा तो फिर उसके बाद बोलेगा कि एंटर आपका जो आपको पासवर्ड करना है न्यू, और उसको बोलेगा कि कंफर्म करने के लिए। तो मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे जो मेरे को चेंज करना है। तो आपको जो पासवर्ड भी आपको जैसे कि पता होगा कि उसमें जो है आपको एक डिजिट होना चाहिए, जो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, कैपिटल में वर्ड होना चाहिए, ये सब रहता है। और आपको जो है जैसे कि 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर। जो है देखिए मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है, और लॉगिन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे मेरा यूएन नंबर और मेरा पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा, तो मेरा लॉगिन हो जाएगा पेज पर और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। तो होपफुली ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉमेंट कर देना। कुछ भी जानकारी के बारे में कि यूएन नंबर कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, यूएन नंबर का स्टेटस, जो भी आपको जानना है इन्फॉर्मेशन, तो आप जो है वीडियो को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।